नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज की वीडियो से देश के अंदर तहलका मचने वाला है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में दिखाए गए सारे दस्तावेजों की तारीखों पे गौर करिएगा, क्योंकि आज वो राज मैं खोलने जा रहा हूं जो शायद भारत की सत्ता को हिला कर रख देगा। मैं आज आप लोगों को सरकार की और उद्योगपतियों की एक ऐसी दोस्ती, ऐसे याराना की मैं एक दास्ता सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि धीरे धीरे आप कर्ज में दबते जा रहे हैं और उद्योगपति दिन प्रतिदिन अरबपति खरबपति होते जा रहा है। कहीं ना कहीं वो पैसा आपकी जेबों से लिया जा रहा है। आपको याद होगा अडानी ग्रुप ने मुझ पर 5 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया है अहमदाबाद हाईकोर्ट में, जिसकी कल सुनवाई थी 5 जनवरी 2021 को। अब अगली सुनवाई होनी है 9 फरवरी 2021 को। सारा मसला शुरू होता है मेरे उस स्टिंग ऑपरेशन से जो मैंने हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में नौलथा गांव में किया था। नौलथा वो जगह है जहां अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड का एक अनाज का भंडारण बन रहा है, जिसकी क्षमता 50,000 मैट्रिक टन है और जिसमें गेहूं रखा जाएगा। बाकायदा इसकी बोली लगाई गई, निविदा निकाली गई, टेंडर निकाला गया और इस कंपनी को ठेका मिल गया वहां पर अनाज संसाधन करने के लिए, भंडारण करने के लिए, गोदाम बनाने के लिए। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, अब मैं जो आपको हकीकत बताने जा रहा हूं, वो सुनने के बाद शायद आपको तकलीफ इस कदर होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकारें किस तरह से उद्योगपतियों के हाथों बिक चुकी हैं, उसका ताजा उदाहरण सबूतों के साथ आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं। और सबसे चौंकाने वाली बात आपको इसके अंत में आपको दिखाई देगी, जिसके बाद ना आप हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। आपको यकीन हो जाएगा किस तरह से मोदी जी अडानी साहब को दिल खुश तरीके से, पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और दिन रात चौगुनी तरक्की अडानी साहब कर रहे हैं। तो आइए शुरू करना चाहूंगा मैं एक इच्छा से। अडानी साहब को एक इच्छा हुई जनवरी सन 2016 में कि भारत के अंदर अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन बनाने हैं। एक अचानक से ऐसी नॉर्मल इच्छा जागी, उन्होंने एक पत्र लिखा अडानी ग्रुप की तरफ से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया जनवरी 2016 में। वो पत्र की कॉपी आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र में लिखा गया कि हम साइलो, जो कि अनाज भंडारण करने के गोडाउन को कहते हैं, वो बनाने चाहते हैं और इसके लिए हम इच्छुक हैं। सोचिए, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सरकार के उपक्रम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है कि हम इच्छुक हैं, हमें ये टेंडर, ये गोडाउन बनाने के हम इच्छुक हैं। अचानक से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक टेंडर निकालती है जिसमें नियम रखा जाता है कि देश के 27 जगहों पर गोडाउन बनाने जाने हैं और इस गोडाउन में जो गेहूं या कोई भी अनाज रखा जाएगा उसके लिए प्राइवेट कंपनियों को आवंटित किया जा रहा है। जनवरी 2016 में अडानी साहब की इच्छा को साकार करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 25 मई सन 2016 को एक टेंडर निकालती है, उसकी कॉपी ये आपके स्क्रीन पर। इस टेंडर में बाकायदा पूरे देश से लोगों को और कंपनियों को आमंत्रित किया गया कि आप आइए और इसमें बोली लगाइए। सबसे न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी थी अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड, जो कि नौलथा में जिनका प्रोजेक्ट मिला। सन 2016 जुलाई के आसपास इस टेंडर की आखिरी तारीख थी। और दिसंबर तक टेंडर फाइनल कर लिया गया और सबसे कम कीमत 1,370 रुपए और 90 पैसे प्रति टन प्रति वर्ष के रेट पर अडानी कंपनी को इसका ठेका मिल जाता है। तो आइए अब आपको मैं सुनाता हूँ वो दास्ता जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खास तौर पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर
इस पूरे नियम और कानून की धज्जियां उड़ा दी। 2016 में जब मई महीने से लेके दिसंबर महीने तक टेंडर निकाला जाता है, फाइनल कर दिया जाता है और कंपनी को ठेका दे दिया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये होती है कि जिस कंपनी को 2016 में ही ठेका दे दिया जाता है, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जनवरी 2017 में किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपके स्क्रीन पे एक पत्र मैं दिखाना चाहूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, उनकी वेबसाइट पर है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड की जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी 2017 की है। ये रहा वो पत्र। ये कंपनी टेंडर मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन की गई, तो मेरा सबसे बड़ा ये सवाल था कि आखिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि जिस कंपनी का अस्तित्व ही नहीं है उसने बोली भी लगा ली और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप को ये ठेका दे भी दिया, जिसकी एग्रीमेंट बाकायदा फरवरी 2017 में की गई है। उसकी कॉपी जरा आपके स्क्रीन पर है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अडानी ग्रुप ने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फरवरी 2017 में। ये रही उस कॉपी की फोटो। ये केवल भारत में हो सकता है। अगर आपका मित्र प्रधानमंत्री हो, अगर आपके दोस्त यार भारत सरकार के बड़े पद पर बैठे हो, तो भले आपकी कंपनी पैदा भी ना हुई हो, आपको करोड़ों का टेंडर मिल जाएगा। आप समझिए, पूरे देश में अडानी कंपनी के बंदरगाहों पे काम चल रहे हैं, एयरपोर्टों को उन्होंने लिया है, उसका संवर्धन करेंगे, उसको संभालेंगे, उसको चलाएंगे। अनाज भंडारण के लिए अडानी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। अगर इस नौलथा गांव में उस कंपनी को ठेका दे दिया गया सन 2016 में, जिसका रजिस्ट्रेशन ही 2017 में हुआ है, तो सोचिए पूरे देश के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रख के छोड़ दिया गया है और इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में मैं डालने जा रहा हूं, जिसमें अडानी कंपनी को पूरे भारत के अंदर दिए हुए सभी सरकारी ठेकों की जांच की मैं मांग करता हूं। अगर एक नौलथा गांव जैसे छोटे से प्रोजेक्ट में, 5 से 6 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में अगर इतनी अनियमितताएं देखी गई हैं, इतनी इन कानूनों की धज्जियां उड़ाई देखी गई है, तो सोचिए बड़े बड़े प्रोजेक्टों में अडानी कंपनी को भारत सरकार ने कितना फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इसका पूरा उदाहरण मैंने आपको एक छोटे से नौलथा गांव के प्रकरण के बारे में मैंने दिखाया। आप सोचिए देश के कितने हजारों करोड़ों रुपए के टेंडर इस समय अडानी ग्रुप के पास हैं। भारत का जो पैसा है भारत सरकार कैसे अपने मित्रों के जेबों में भेज रही है, उसका एक उदाहरण मैंने आपको दिखाया है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी जो सरकार है वो जनहित के लिए नहीं है, वो उद्योगपतियों के लिए है, जिसमें केवल और केवल अपने दोस्तों की जेबों में पैसे भरना है, ना कि जनता के पेट और किसानों के पेट में निवाले। तो अब आप खुद तय करें इसका क्या हो सकता है और हमारी सरकार कैसी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं और इस हकीकत को देश से रूबरू कराएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।